एडीसी के बेड़े में बसें लगातार कम हो रही हैं। हमने ये खबर आपको लगातार और हर बार दिखाई। दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी बस नहीं खरीदी, लेकिन आज ये खबर हम आपको बता दें कि डीटीसी की एक और बस कम हो गई है। दूर वो आग लगी आप जो देख रहे हैं, वो आग दिल्ली के डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ही एसी लाल बस में लगी हुई आग है। आग इतनी बड़ी और भयंकर थी, इतनी विशाल थी कि पूरे बस के परखच्चे उड़ गए। बस इतनी बुरी तरीके से जली कि उसके पास का बस स्टैंड भी बुरी तरीके से जल गया। आपको बता दें मामला ये सरस्वती विहार सी ब्लॉक मधुबन चौक के पास का बताया जा रहा है, जहां पर ये बस बुरी तरीके से जल गई। राहत की बात यह है कि इस आग में किसी के जानमाल की हानि नहीं हुई है, यानी किसी की कोई इसमें जानमाल की हानि नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई आहत नहीं हुआ है। लेकिन ये सवाल भी खड़े करती है घटना, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से डीटीसी की फिटनेस और सीएनजी लीकेज की छूट दी गई है, क्योंकि ये बसें अपने ही डिपो पे फिटनेस और सीएनजी की चेकिंग करवा लेते हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि सीएनजी व्हीकल्स में ज्यादा जलने की घटनाएं सीएनजी लीकेज की वजह से होती हैं, तो यहां पर यह भी देखना होगा कि क्या डीटीसी की तरफ से कोई लापरवाही तो नहीं हुई है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इसमें मामला ये सामने आ रहा है कि वायर शॉर्ट का मामला बताया गया है। लेकिन कुल मिलाकर यह बहुत से सवाल खड़ा करता है और डीटीसी को निश्चित रूप से इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है। यूज ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली।